गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विशाखा मैम हियर विथ आवर इंग्लिश सब्जेक्ट पोएम नंबर 25 आफ्टर स्कूल। हमने ये पोएम कंप्लीट की थी लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर बाकी थे, बराबर। मे बी लास्ट वीक में हमने एक पोएम कंप्लीट की थी, क्वेश्चन आंसर हमने आपको नहीं दिए थे। ये पोएम में हमें इतना ही जानना था कि हमेशा टीचर्स या बड़े लोग आपके बारे में सोचते, लेकिन ये पोएम में आप लोगों की सोच टीचर्स के बारे में दिखाई गई है। बहुत सुंदर पोएम थी ये, स्मॉल बट वेरी गुड पोएम, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स ने टीचर के बारे में लिखा था कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसे भी होने के बाद भी टीचर्स कैसी गुड और काइंड रहती है, टीचर्स सबके पीछे रहती है, फिर भी टीचर्स को कुछ बुरा नहीं लगता, फिर आप लोगों को भले ही स्कूल अच्छा लगे फिर भी आपको घर जाना, वेकेशन एंजॉय करना भी बहुत अच्छा लगता है, ऑब्वियसली हर एक को अच्छा लगता है। ये सब थॉट्स, ये सब अपना अपना माइंड का ओपिनियन इसमें बताया गया था। तो मैं बस एक बार ये रीड करती हूँ क्योंकि एक्सप्लेन तो मैंने पहले आपको किया है और उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताती हूँ। ओके, पोएम नंबर 25 आफ्टर स्कूल, नाउ आई स्टार्ट। ऑल्दो वी लाइक टू गो टू स्कूल, we are rather glad to put away our books and slates and other things when it is over for the day, and off we go to play and roam, while teacher who is good and kind is left behind all by herself, but then perhaps she doesn't mind. Okay, now it's question and answer. Questions dekho, maine aapko iske answer diye hai lekin main aapko fir bhi ye kar check kar rahi hu. Answer the following question. Poem number 25 after school. Answer the following questions. And your first question is, what do the children do when school is over for the day? And your answer, the children put their books and slate and other things in its usual place once school is over for the day. जैसे स्कूल ओवर होता है, स्कूल जैसे लीव होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने बुक्स प्लेस स्लेट क्रेयॉन्स जो कुछ भी है यूजुअल प्लेस में हमेशा की तरह जहाँ रहता है वहाँ रख के निकल जाते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन स्कूल, स्कूल में कौन रुकता है पीछे, टीचर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन स्कूल, टीचर रुकती है। एंड लास्ट, व्हाट इज़ द टीचर लाइक, व्हाट इज़ द टीचर लाइक। एंड योर आंसर, द टीचर इज़ लाइक टू टेक रेस्ट and be peaceful in the absence of the students of the end of the busy day. तो टीचर्स को लाइक क्या है, टीचर्स को पसंद क्या है, एक तो स्टूडेंट्स को सिखाना वगैरह ये तो आ गया, स्टूडेंट ने फिर भी कोलाहल मचाया मस्ती की तो भी टीचर चुपचाप अपने क्लास में बैठती है, आफ्टर स्कूल टाइम, स्कूल जैसे टाइम आपका ख़त्म होता है जैसे आप घर जाते हो उसके बाद भी टीचर्स अकेली क्लास में रुकती है, फिर भी वो उसको कुछ माइंड नहीं होता, उसको कोई मतलब उसको कुछ बुरा नहीं लगता कि चलो बच्चे चले गए, बच्चे जाने के बाद दिन भर की थकान, मतलब जो टाइम उसको थकान थी वो थकान ऐसे दूर करने के लिए उसको एक जगह शांत बैठना भी पसंद है, इसमें कोई ये नहीं है। मतलब व्हाट इज़ द टीचर लाइक, टीचर लाइक, द टीचर इज लाइक टू टेक रेस्ट एंड बी पीसफुल इन द एब्सेंस ऑफ द स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द बिजी डे, बिजी डे के उसका जो बिजी स्केड्यूल रहता है उसके एंड में ऐसा रहना टीचर्स को पसंद है। यह हमारे क्वेश्चन एंड आंसर हो गए। सेकेंड क्वेश्चन पर हम दोबारा आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट डू यू फील व्हेन यू लीव होम टू गो ऑन अ विजिट टू अनदर टाउन, राइट अबाउट इन थ्रू और थ्री लाइन्स। व्हाट डू यू फील, आपको कैसा लगेगा व्हेन यू लीव होम टू गो ऑन अ विजिट टू अनदर टाउन, आपको कैसा फील होगा, जरा कैसा फील होगा अगर आप किसी दूसरे टाउन पे विजिट करने के लिए गए, राइट अबाउट इन थ्रू ऑन थ्री लाइन, टू और थ्री लाइन में आपको क्या करना है, लिखना है, यह आपका है, ये होमवर्क आपको करना है। थर्ड, इंटरव्यू योर टीचर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, टीचर का इंटरव्यू लेना है, टीचर के बारे में पूछताछ करना है। आप जैसे न्यू क्लास में एंटर करते हो, अभी नेक्स्ट ईयर आप जाओगे फोर्थ में, मेरे पास थर्ड के आएंगे तो टीचर्स को उसका नाम गाम सब पूछते हैं ना, नाव गाँव टीचर का, मैम आप क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, क्या सब पूछते हो ना, तो ये इंटरव्यू लेना है। कौन से पॉइंट से पॉइंट लेकर देखते हैं, व्हाट वर्क डज द टीचर डू, व्हाट वर्क डज द टीचर डू देन एट द बिगनिंग ऑफ द स्कूल ईयर,
व्हेन शी अरेंज द पिकनिक व्हेन शी कंडक्ट एग्जामिनेशंस बी व्हाट डज शी लाइक बेस्ट अबाउट योर क्लास एंड थर्ड पॉइंट व्हाट इम्प्रूवमेंट्स वुड शी लाइक टू सी इन योर क्लास आपके क्लास में वो कौन सा इम्प्रूवमेंट चाहेगी ये सब पॉइंट्स आपको टीचर के इंटरव्यू के टाइम नोट करना है सो नाउ स्टूडेंट्स हियर वी कंप्लीट पोएम नंबर 25 आफ्टर स्कूल विथ क्वेश्चन एंड आंसर नेक्स्ट टाइम वी विल मीट नेक्स्ट लेसन नंबर 26 अ स्कूल टीचर थॉट ये भी टीचर के ऊपर ही है ओके तब तक के लिए स्टे होम ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम बाय बाय